क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें लेके जाना है, एफ दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। फॉर मूवमेंट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। देखिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीन्स नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कैसे जीरो होगा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उतना ही आप पीछे से उस पर फोर्स दे रहे हैं उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, इसीलिए नेट फोर्स जीरो हो गया ना। फ्रिक्शनल फोर्स जितना लग रहा है उतना ही आपने पीछे से फोर्स दे दिया उसकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, ओके, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अब फोर्स एग्जर्टेड कितना है, 200 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता नहीं है, वही निकालना है। नेट फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, -200। सिंपल सा आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए था, 200 न्यूटन का फोर्स सीधा सीधा लगा रहे हैं, यूनिफॉर्मली उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, तो उतना ही फोर्स अगर हमारा फ्रिक्शनल लगेगा तब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, ओके, तो उसमें कोई भी चेंज वेलोसिटी में नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट इज 200 न्यूटन। निगेटिव साइन देखिए यहां भी आ रहा था, यहां निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मोशन के अपोजिट है,